मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज संडे था तो मैंने सोचा कि चलो पोहा बना ले। पारुल का फेवरेट पोहा है तो ये पोहा को भिगो दिया है, साथ में ये टमाटर और ये लेमन, ये कैप्सिकम। बहुत कम सब्जियां डालती हूँ क्योंकि ये लोग खाते ही नहीं है। मूंगफली देखो कितनी थोड़ी सी ली है क्योंकि ये बिल्कुल निकाल निकाल के अलग कर देते। तो पारुल उठ गई थी तो मैंने कहा तू ही बना आज, थोड़ा सा मैं इसके साथ खड़ी हूँ तो इसको सिखा रही हूँ। तो चलो शुरू करें। डालो ये सरसों के सीड, डालो मस्टर्ड सीड। ऑनियन डाल दिए, अब डाल दो सारा सामान। जब ऑनियन हल्का सा लाल हो जाए तो उसके बाद टमाटर कैप्सिकम वगैरह डाल दो। तो मैंने सोचा ये भी थोड़ा थोड़ा संडे में एक एक चीज़ को सिखाते रहेंगे ना, तो थोड़ा बहुत इनको अपने लिए तो बना ले, कम से कम चाय पोहा अंडा ये सब उबालना सब कुछ सीख जाए ना तो अच्छा होता है। मैगी वगैरह तो बना लेते हैं, रोटी भी सेक लेती है ये तो। अब बड़े भी हो रहे थे टाइम तक तो मैं तो खाना भी बना लेती थी। तो बस ये इसको हल्का सा फ्राई हो जाए, हल्का सा गोल्डन कर दो, उसके बाद और डाल दो। तो अभी हमारा पोहा बनकर जा रहा है, आज पोहा बनाएंगी पारुल। दिखाऊं तुम्हें या अपने आप को दिखाना ही नहीं चाहती है? ओहो सही है। हाँ डालिए, नमक बाद में डाल देती। सही है तुम्हें और कहाँ, और दो तीन चम्मच, छोटे चम्मच दो तीन डालो। हल्दी डालो। मैं नमक नहीं खाना चाहिए, मैं नमक नहीं खाना चाहिए। हाँ और कितना डाल दिया? रुको रुको रुको, बस करो, हल्दी डालो। दो स्पून डाल दे छोटे छोटे। तो मैंने कहा आज पोहा पारुल बनाएंगी अच्छे से, बढ़िया मसाला वसाला भून रहा है। और ये देखिए गैस मैं गिरा भी दिया है, शुरू हो गई गिराना वराना। बस आराम से करो काम ना, केयरफुली। गरम मसाला डालो, गरम मसाला, रेड चिली डाली क्या है? अब नेक्स्ट टाइम पर ना पोहा आप ही बनाएंगे, मैं आज खड़े हो नेक्स्ट टाइम। ये गरम मसाला डालो, इतना डालना नहीं डालना बस। चलो अब पोहा डाल दो, मिक्स करो। अब डलेगा पोहा, अब इसको मिक्स कर लो। उसमें नींबू डाल के बढ़िया, और धनिया डाले? नहीं, धनिया हरी धनिया खाते नहीं है भैया ये लोग, मुझे तो हर चीज़ में हरी धनिया। कड़ी पत्ते नहीं डाले आपने? कड़ी पत्ता ने लाई नहीं बाहर से, आप नहीं लाना, आप क्या हो तड़के में डालते हैं। चलो जी हो गया हमारा मस्त पोहा। इस तरह से पकड़ो याली, ऐसी है ना कि गर्म नहीं होता है। पकड़ पकड़, नहीं मैंने कहा गर्म नहीं है, देख याली ऐसी कढ़ाई है कि इधर हैंडल गर्म नहीं होता। वाह क्या कढ़ाई है, हाँ कि हैंडल गर्म नहीं होता, हैंडल को आराम से पकड़ो, कढ़ाई गर्म हो जाएगी पर हैंडल गर्म नहीं होगा। साला कम है क्या? नहीं नहीं ठीक है, सिक्स अच्छे से मिक्स कर लो ताकि सब में येलो पार्ट आ जाए। बस अब लास्ट में नींबू स्क्वीज करके डाल रही हैं पारुल, बहुत ही अच्छा बना है। वाह वाह वेरी गुड, ऐसे रोज रोज कम से आप पोहा बना लेगी ना अपने आप? नहीं नहीं चलो एक दो बार और बनाओगी तो आ जाएगा। चलो दूसरा वाला भी डाल दो प्लीज नींबू का। तो अब पारुल चेक कर रही है कि कैसा बना है, तो अच्छा बना था, मैंने भी खाया था, बहुत अच्छा बहुत ही टेस्टी बना था। इस तरह से बच्चों को कभी कभी ब्रेकफास्ट बनाने देना चाहिए जब उनकी छुट्टियां हो। तो मैंने सोचा कि शाम को आधी से भी कुछ ना कुछ बनवाऊंगी, उसको कहूँगी तू बना अपनी मनपसंद का, ताकि साथ में खड़े रहकर, और वैसे मैं खड़ी भी नहीं रहती हूँ कई बार, तो ये लोग खुद ही बना लेते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़ा सा साथ में वीडियो बनाने के चक्कर में खड़ी रही। बेटे महाराज आज कुछ बना रहे हैं भाई, क्या बना रहे हो आदि? ये भुर्जी अंडे, भुर्जी अंडे की भैया देखो इन्होंने वो क्या कहते हैं बंद गोभी को भी काटा है, बंद गोभी लिया है इसमें। लेटस लेटस ओहो हो, और प्याज और अरे अरे तो आज खुद बनाने का विचार है आपके मन में? देखिए सर अश्विक जी आज खुद बनाने का विचार है आपके? आइए आइए बनाइए। ओहो आप तो खुद बना रहे हैं, वाह वाह बहुत बढ़िया है। इसमें मसाला भी डालेगा कि नहीं? लास्ट में है, लास्ट में। वाह वाह लास्ट में, हाँ आज तो भुर्जी बन के रहेगी। वाह भुर्जी बोलते हैं, भुर्जी बोलते हैं भुर्जी। मसाला, अरे अरे ये मेरा आ गया। तो सारे मसाले डाल लिए हैं आदि जी ने। ओहो बहुत बढ़िया फिनिशिंग से भाई भुर्जी बन गई है। भुर्जी अभी जरूरत नहीं है मेरे को बनाने की कुछ, है ना? ठीक है ठीक है, हो जाएगा आपका। वाह वाह और राजमा रखा उसको बनाओ, गर्म करके दू रोटी सेकनी है। तो चलो भैया एक काम तो इन्होंने ही कर दिया, बाकी का खाना ले दे। तो इस तरह से बच्चों को थोड़ा थोड़ा बना दे देना चाहिए, फिर खुद बनाते हैं आराम से। ये दोनों छोटी छोटी चीज़ें खुद बनाएंगे तभी आएगा। तो आज ना मैंने दोनों बच्चों को खाने का दिखाया कि दोनों ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें बनाई, और साथ में पारुल
कुछ ये बिना पेंसिल के ये ड्रॉ कर रही थी, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। तो मेरा मन हुआ कि मैं इसको वीडियो बना लूँ, क्योंकि ना उनको कुछ संस्कृत में ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पिक्स बनाकर और ना उस पर लिखना था संस्कृत में नाम। तो ये बहुत अच्छा बनाया इसने लेडी फिंगर। अब तो ये पेंसिल का भी यूज़ नहीं करती है, बस डायरेक्ट ये डॉम्स ब्रश पेन जो इसने लिए हैं एक, उसी से ये पूरा करती है, कोई पेंसिल नहीं लेती। तो अच्छा लगता है कि बच्चे भाई अपना चॉइस का कर ले। भी हमारे टाइम पर तो बिना पेंसिल के हम लोग पहले पेंसिल से ड्रॉ करते थे, बनाते थे। तो ये लोग अभी आर्टिस्ट बन चुके हैं। तो किसी भी एंगल से वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। शेयर करेंगे तो शायद चैनल आगे ग्रो कर जाए, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जितने लोग ज़्यादा देखेंगे, उतना ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा। तो बच्चों की जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप देख लो कि उनको इंटरेस्ट है, उसको प्रमोट करना चाहिए। अब ये देखिए ये भी करने लग रही है। तो ये इसने क्या किया है कि पहले वाले वाटर जो कलर होते हैं वो भी यूज़ नहीं कर रही है, इसी डॉम ब्रश पेन से ही इसने क्या किया कि वो उसको लिक्विड बना लिया और फटाफट ये अपना ड्रॉ कर रही है विदाउट पेंसिल। तो मैंने इसकी भी ले ली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और बाय।